येसो एवरी एंड वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर थ्री क्लास नाइन साइंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो आइए स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में लॉज ऑफ़ केमिकल कॉम्बिनेशन तो लॉज ऑफ़ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं दो तरह के लॉज होते हैं फर्स्ट होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा होता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रबोशन आते हैं यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक पे डैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बहुत ही आसान सी स्टेटमेंट है यहाँ पर मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉन बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन यानी जो मास है ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख के देखते हैं जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कार्बन बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड अब ये लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड वालों को क्या लिखते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड वाले क्या होते हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है जितना मास रिएक्टेंट का है देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट तो जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए हम इसे करके देख लेते हैं यहाँ पर जैसे कार्बन थ्री ग्राम होता है और वो रिएक्ट करता है एट ग्राम ऑक्सीजन से और बनेगा इलेवन ग्राम ऑफ सी तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आया रिएक्टेंट का मास भी हमारे पास कितना आया यहां पर 11 ग्राम और प्रोडक्ट का मास भी हमारे पास कितना आया 11 ग्राम यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ़ मास दैट इज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड जो टोटल मास है रिएक्टेंट का और जो टोटल मास है प्रोडक्ट का हमेशा सेम रहेगा यानी यहाँ पर भी रिएक्टेंट का मास कितना आया इलेवन ग्राम और प्रोडक्ट का भी कितना आया वो भी इलेवन ग्राम तो यही होता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं तो सेकेंड टॉपिक पे आते हैं हम और सेकेंड टॉपिक हमारे पास क्या कह रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन क्या होता है सो so, पढ़ते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन सो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन कहता है इन अ केमिकल सब्सटांस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय मास यानी अगर कोई भी मेरे पास कंपाउंड है यानी मेरे पास अगर कोई भी कंपाउंड है जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं वाटर का एच तो ये एक कंपाउंड है अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं दो एलिमेंट्स हैं एक है यहाँ पर हाइड्रोजन और दूसरा है यहाँ पर ऑक्सीजन सो so, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि एक लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन में यानी कोई भी एक कंपाउंड के अंदर जो दो एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो बाय मास हमेशा सेम रहेगा यानी उनका मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वन इस टू एट ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा यानी अगर आप कोई भी एक सैंपल उठाओगे एच टू ओ का तो उसमें हाइड्रोजन आपको मिलेगा वन ग्राम और ऑक्सीजन आपको मिलेगा एट ग्राम ये होता है लॉ ऑफ कंजर्व लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रवोशन अगर मैं यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ लेट्स से मैं इसकी जगह पर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का सो so, ये भी एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन से एलिमेंट हैं कार्बन और ऑक्सीजन और यहां पर हमेशा जो रेशो मिलेगा वो फिक्स रहेगा थ्री टू एट यानी कार्बन हमेशा मुझे थ्री ग्राम मिलेगा और ऑक्सीजन हमेशा मुझे एट ग्राम मिलेगा ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन ठीक है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एटम अब एटम क्या होता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट यानी ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का इट इज द स्मालेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट डेट कैन एग्जिस्ट एलोन और इन कंबाइंड फॉर्म विद अदर एटम तो या तो ये एग्जिस्ट एलोन कर सकता है या फिर कंबाइंड फॉर्म में कर सकता है ठीक है नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अब देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में ना ये अलोन एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना दे कैन एग्जिस्ट आइदर एलोन सो बहुत ही कम केस है जिसमें ये एलोन एग्जिस्ट करेगा बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कंबाइंड फॉर्म में, में एग्जिस्ट करेगा और एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे मॉलिक्यूल बनाएंगे तो चैप्टर का नाम जो है ना वो क्लियर होना चाहिए लाइक like, एटम्स जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा मॉलिक्यूल बनेगा तो यही आपका चैप्टर है साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल बहुत स्मॉल होता है जिसे हम नेक डाई से नहीं देख सकते और आपको एक फुल एक फॉर्म याद रखनी है जिसने सारे एटम्स के एलिमेंट्स के सिंबल दिए उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आयु पैक आयूपैक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सारे एलिमेंट्स को एक सिंबल दिया है ताकि पूरे वर्ल्ड में उसे एक ही नाम से जाना जाए तो आयुपेक की फुल फॉर्म याद रखनी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का अब उस पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी इसके पॉस्टूलेट आपको लर्न करने हैं इसे पॉस्टूलेट्स बोलते हैं कि डेल्टन ने क्या क्या बताया फर्स्ट पॉइंट क्या बताया डेल्टन ने डेल्टन ने एटम के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए वो हमें लर्न करने हैं तो फर्स्ट पॉइंट है यहां पर ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम सो जितने भी मैटर है इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसे हम क्या बोलते हैं एटम्स सेकेंड पॉइंट है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल यानी डेल्टन के अकॉर्डिंग एटम डिवाइड नहीं हो सकते एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन थर्ड क्या बोला इसने एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी अब इन्होंने ये बताया कि मान लो एक ही एलिमेंट के हैं जैसे मान लो ऑक्सीजन के ही अलग अलग एटम्स हैं तो इनका मास भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी लेट्स से हाइड्रोजन के अलग अलग एटम्स हैं तो उस केस में उनका मास भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी अब आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासज एंड केमिकल प्रॉपर्टी अब ये कह रहा है जैसे मान लो एक यहाँ पर मैंने लिया नाइट्रोजन का।, का एक नाइट्रोजन का एटम है और दूसरा मैंने लिया क्लोरीन का दूसरा क्लोरीन का एटम है तो इन्होंने ये बोला जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी उनके मासेज भी डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे वो है फिफ्थ और सिक्स पॉइंट तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है यहां पर एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड यानी जब जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से जब एक कंपाउंड बनेगा सी तो एटम्स कंबाइन हो सकते हैं स्मॉल होल नंबर्स में और क्या बनेगा कंपाउंड बन जाएगा यानी छोटे छोटे नंबर्स यूज करेंगे जैसे कि CO2 टू या फिर एच टू ओ तो स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन हो सकते हैं इन द रेश ऑफ स्मॉल होल नंबर्स ठीक है सो एटम्स कंबाइन इन द रेश ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड सिक्स पॉइंट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन अ गवन कंपाउंड यानी अगर मैं CO2 लेता हूं तो यहां पर हमेशा फिक्स रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कि एक कंपाउंड है एलिमेंट हमेशा फिक्स रहेंगे कौन कौन से कार्बन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा और काइंड ऑफ एटम यानी कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम है ये फिक्स रहेगा तो ये पूरा होता है टॉपिक आपका डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ये सारे पॉस्टुलेट आपको लर्न करके जाने हैं नेक्स्ट आते हैं फिर सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट अब देखो आयु पैक ने सबके अलग अलग सिंबल दिए हैं अब किसी किसी केस देखो सिंबल्स को लर्न करने का तरीका क्या होता है जैसे नाइट्रोजन है तो किसी किसी केस में सिर्फ एक ही अल्फाबेट लिया है वो कैपिटल अब जैसे कैल्शियम है तो सी कैपिटल और जो सेकेंड अल्फ़ाबेट लिया है वो स्मॉल लिया है तो इस तरह अलग अलग सिम्बल्स बनाए हैं एल्यूमिनियम का ए एल फिर आर्गन बेरियम का बी ए बोरोन का कैपिटल बी फिर ब्रोमीन का बी आर कैल्शियम फिर कार्बन क्लोरीन का सी एल कोबाल्ट का सी ओ नाइट्रोजन का एन फिर कॉपर का सी यू फ्लोरिन का एफ गोल्ड का ए यू हाइड्रोजन का एच आयोडीन का आई आयरन का एफ ई लेड का पी बी मैग्नीशियम का एम जी नियॉन का एन ई ऑक्सीजन का कैपिटल ओ ये सारे सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के जो हमें लर्न करने हैं नेक्स्ट ऑप और भी दिए हुए हैं पोटेशियम का कैपिटल के सिलिकॉन एस आई सल्फर का एस जिंक का जेडन सोडियम का एन ए सिल्वर का ए जी यूरेनियम का कैपिटल यू तो ये सारे सिंबल्स हमें लर्न करने हैं अब इसके बाद आपका एक सबसे ये सारे सिंबल्स करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होता है और वो है आपका एटॉमिक मास यूनिट वो टॉपिक है एटॉमिक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है देखो मासेस तो आप लोग लर्न कर ही लोगे सारे एलिमेंट्स के बट ये करने से पहले आपको एटॉमिक मास यूनिट क्लियर होना चाहिए कि सबके पीछे यू क्यों आता है सो एटॉमिक मास यूनिट जिसको शॉर्ट में ए एम यू भी कहते हैं तो इन्होंने क्या किया बाकी एलिमेंट्स के मासेस निकालने के लिए कार्बन को एज अ रेफरेंस लिया गया कार्बन को एज अ रेफरेंस लिया गया तो इन्होंने क्या बोला कि वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगा वन बाय ट्वेल्थ ऑफ द मास वन बाय ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ कार्बन ट्वेल्थ एटम तो इन्होंने क्या बोला एक डेफिनेशन बनाई कि जो वन एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके इक्वल होगा वन बाय ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ कार्बन ट्वेल्थ एटम और कार्बन ट्वेल्थ का मास ट्वेल्व होता है तो बाकी सारे एलिमेंट्स के मास निकालने के लिए एक रेफरेंस लिया गया वन बाय ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व एटम और वहीं से डेफिनेशन बनी वन एटॉमिक मास यूनिट जो आपको लर्न करनी है नेक्स्ट आता है एटॉमिक मासेज ऑफ फ्यू एलिमेंट्स अब एटॉमिक मासेज यू हैव टू लर्न कई सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेज क्या होंगे जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का जो है वो है वन यूनिट ये लिखा हुआ है यहाँ पर उसी तरह अगर बात करें कार्बन कार्बन का है ट्वेल्व यूनिट फिर बात करें अगर इसके बाद ना नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन का है 14 यूनिट ऑक्सीजन का है यहाँ पर 16 यूनिट इसी तरह सबके दिए हुए हैं जैसे कि क्लोरीन का है 35.5, सल्फर का 32 यूनिट सोडियम का 23 यूनिट मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम का 20 uh, 40 यूनिट कैल्शियम का 40 यूनिट तो कैल्शियम का 40 यूनिट तो और कई स्कूलों में ये दिए होते हैं कई स्कूलों में आपको नहीं दिए होते तो यू हैव टू लर्न दिस एक टेबल पूरा बना लोगे आप इस तरह और आपको एटॉमिक मासेस सारे एलिमेंट्स के लर्न करने हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं वो है मॉलिक्यूल अब देखो मैंने आपको बताया था एटम्स जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा मॉलिक्यूल बनेगा यानी एटम्स जब कंबाइन होंगे ऐटम्स कम्बाइन होके हमारे पास क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल बनेगा अब देखो मॉलिक्यूल दो तरह का हो सकता है मॉलिक्यूल यहाँ पर दो तरह का हो सकता है अगर हम बात करें ओ भी एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑक्सीजन के आइटम है एन भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन के आइटम है और सी भी एक मॉलिक्यूल है बट यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट हैं कार्बन और ऑक्सीजन एच भी एक मॉलिक्यूल है बट डिफरेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सो एटम्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं वो तो हमें क्लियर हो गया मॉलिक्यूल लेकिन एक मॉलिक्यूल में सेम टाइप ऑफ एटम आ रहे हैं एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं तो वही यहाँ पे अगला टॉपिक है पहले हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन मॉलिक्यूल की क्या होता है मॉलिक्यूल अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म व्हेन टू और मोर एटम्स आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर जब टू और मोर एटम्स केमिकली कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा मॉलिक्यूल बनेगा अब ये जो एटम्स हो सकते हैं ये एटम्स डिफरेंट सेम एलिमेंट के भी कंबाइन हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी कंबाइन हो सकते हैं जैसे कि ओ का एग्जाम्पल लिया तो मॉलिक्यूल है बट मेडअप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट ओ में सिर्फ ऑक्सीजन एलिमेंट है एन में दो एटम है ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल बन गया बट सेम एलिमेंट के एटम है अब है डिफरेंट एलिमेंट वाला जैसे कि सी टू <coughs> अब सी टू वाले में क्या होगा है तो ये मॉलिक्यूल बट इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर एच टू ओ की इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट है कौन कौन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो यहीं से आपके दो टॉपिक निकल के आते हैं कि मॉलिक्यूल दो टाइप्स का हो सकता है एक हो सकता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरा हो सकता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड सो मॉलिक्यूल ऑफ ये जो मैं आपको एक पढ़ा रहा हूं एक पीडीएफ से ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं उसमें से पढ़ा रहा हूं आपको मैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होगा जैसे अभी हमने ऊपर देख लिया एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले जैसे कि ओ टू एन टू पी फोर उसी तरह एस एट ये सब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हैं तो क्या डेफिनेशन होगी पढ़ लेते हैं एक बार दीज आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ये सेम एलिमेंट के एटम्स हैं केमिकली कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट सो दीज आर ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होंगे दीज आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ये सेम एलिमेंट के एटम्स हैं एग्जाम्पल ओ टू एन टू पी फोर एसेट उसके बाद है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड सो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिख दूं एच टू और दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख दूं सी ओ टू तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी दे आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सो वही डेफिनेशन है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कम्बाइंड केमिकली कम्बाइंड टूगेदर इन अ फिक्स प्रपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड सो डिफरेंट एलिमेंट के आइटम्स आप कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में यहाँ पर जैसे एच टू ओ और जैसे सी ओ टू नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं तो ये टॉपिक था आपके पास पूरा मॉलिक्यूल का और अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वो है एटोमिसिटी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एटोमिसिटी क्या होता है atomicity? देखो एटोमिसिटी होता है जितने एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में जैसे सी एक मॉलिक्यूल है अब कितने एटम है यहाँ पर एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है तो कितने हो गए थ्री तो ये उसकी एटोमिसिटी जैसे एच मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा रहा हूँ जिसे समझने में आसानी होगी और पहली बार मैं अपने चैनल पे वन शॉट लेके आ रहा हूँ तो प्लीज़ बताना जरूर कमेंट करके कि आपको वीडियो अच्छी लगी आपको टॉपिक समझ आए या नहीं आए और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अब जैसे H2O है तो हाइड्रोजन के दो एटम है देख सकते हो हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है तो टोटल थ्री तो इसका मतलब एटोमिसिटी कितनी हो गई एटोमिसिटी हो गई थ्री सिमिलरली अगर मैं बात करूँ जैसे ओ तो यहाँ पर दो एटम है तो टू एक होता है ओ ओजोन तो थ्री एटम है तो थ्री फिर फॉस्फोरस होता है पी फोर तो फोर एटम है तो एटोमिसिटी फोर सल्फर होता है एस एट तो एट है तो कितना हो जाएगा एट तो ये होता है आपका एटोमिसिटी ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है थ्री 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 टू थ्री फोर एट ये एटोमिसिटी है अब आते हैं डेफिनेशन वाले पार्ट पे एग्जाम्पल समझ आ गया डेफिनेशन तो आप कर ही लोगे नाउ क्या लिखा हुआ है यहां पर पढ़ लेते हैं इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल यानी कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो उसे क्या बोलते हैं एटोमिसिटी जैसे एच टू ओ में एच टू ओ में तीन एटम है तो एटोमिसिटी थ्री अब जैसे केस दिया हुआ है सी एस थ्री अब यहां पे करके देखते हैं जैसे लिखा हुआ है सी ए सी ओ थ्री काउंट करो एटम कौन सा है कैल्शियम का एक एटम है कार्बन का एक एटम है ऑक्सीजन के थ्री एटम है तो टोटल कितने हो गए फाइव एटम हो गए तो एटोमिसिटी कितनी आ गई फाइव इस तरह कैलकुलेट करेंगे एटोमिसिटी अब यहां पर हमें कुछ केस करने हैं जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यहां पर हमें क्या केस देखना है कि इनके अलग अलग नाम होते हैं जैसे कि मोनो एटोमिक डायटोमिक वो देखते हैं एक बारी देखो जैसे फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है फर्स्ट वाले में जैसे कुछ ऐसे एटम होते हैं जैसे कि आर्गन हीलियम ये सिंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर नोबल गैसेस तो ये एक ही एटम है इसीलिए एटोमिसिटी इनकी वन है ऐसे एटम्स को बोलते हैं मोनो एटोमिक मॉलीक्यूल क्या बोलते हैं मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल अब अगला जैसे है ऑक्सीजन का ओ नाइट्रोजन का एन तो कितने एटम है दो एटम है एटोमिसिटी हो गई टू ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं डाई एटोमिक मॉलीक्यूल फिर जैसे फॉस्फोरस का है फॉस्फोरस क्या है पी फोर चार एटम है तो एटोमिसिटी हो गई फोर इनको बोलेंगे टेट्राटोमिक और बहुत ही ज्यादा एटम है जैसे कि सल्फर एसेट सल्फर का एसेट तो इसको हम बोलेंगे पॉली एटोमिक क्या बोलेंगे पॉली एटोमिक दिस मॉलिक्यूल इज सल्फर इज पॉली एटोमिक तो याद रखना है आर्गन हीलियम मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल मोनो मतलब वन तो एटोमिसिटी हुई वन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटोमिसिटी टू तो क्या बोलेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉस्फोरस पी फोर है एटोमिसिटी फोर है तो टेट्राएटोमिक और बहुत ज्यादा एटम है जैसे कि सल्फर एसिड एटोमिसिटी एट हुई तो क्या बोलेंगे पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल तो ये पूरा टॉपिक था एटोमिसिटी बस क्या करना है नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने है। हैं हैं अब आते नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक पे और हमारा है आयन सबसे इंपॉर्टेंट जहां बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि लर्न कैसे करें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू लर्न आयंस या फिर आयंस का टॉपिक है क्या देखो क्या होता है अब मैं आपको एक एमसीक्यू बता रहा हूं एम सी क्यू क्वेश्चन वैसे तो चैनल पे अपलोडेड हैं बट फिर भी आपको एम सी क्यू पता होना चाहिए जैसे जो एटम्स होता है एटम्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ये पूछ सकते हैं एग्जाम में एटम्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा एटम एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूल की फॉर्म में और आयंस की फॉर्म में तो मॉलिक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं अब हम पढ़ेंगे आयंस आयंस क्या होता है जिन एटम्स के ऊपर चार्ज आता है उसे आयन कहते हैं एन एटम देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़ लेते हैं एन एटम विच कैरिंग अ चार्ज इज कॉल्ड आयन जिस एटम के ऊपर चार्ज आएगा उसे क्या बोलेंगे आयन बोलेंगे सो so, आयन आपके दो टाइप्स के होते हैं आयन्स आपके दो टाइप्स के होते हैं एक होता है कैटाइन जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसे कैटाइन और एक होता है एनआईन जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उसे बोलेंगे एनआईन जैसे आपने लिखा हुआ देखा होगा एन ए प्लस और सी एल माइनस तो एन ए प्लस एक कैटाइन है एन ए प्लस एक कैटाइन है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और सी एल माइनस एक एनायन है क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है ठीक है और देखते हैं यहां पर नेक्स्ट है यहाँ पर डेफिनेशन केटायन की नाउ व्हाट इज कैटाइन व्हाट इज एनायन केटायन क्या होगा द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन यानी जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कैटायन है जैसे कि एम जी टू प्लस सी ए टू प्लस एंड एनायन क्या होता है द नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज आता है वो एनायन होते हैं जैसे सी एल माइनस बी आर माइनस अब बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर लर्न कैसे करें ऐसे सारे एग्जाम्पल इनको हम लर्न कैसे करें तो इनको लर्न करने का जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर सम कॉमन आयंस ये टेबल हमें लर्न करके जाना है वी हैव टू लर्न दिस टेबल सम कॉमन आयंस ठीक है अब लर्न कैसे करें इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह लर्न करना है आयंस को लर्न करने का बहुत आसान तरीका है एटॉमिक नंबर के थ्रू और कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जैसे सोडियम का केस लेते हैं ये वाला एन ए प्लस तो सोडियम होता है इलेवन टू कॉमा एट कॉमा वन तो सारे ऐसा बनना चाहते हैं इस तरह नोबल गैस बनना चाहते हैं तो सोडियम भी ऐसा बनना चाहता है नोबल गैस ये अपने क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या रह जाएगा टू कॉमा एट तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो चार्ज आ गया प्लस वन जैसे अब मैग्नीशियम है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है ट्वेल्व सो टू कॉमा एट कॉमा टू ये दो लूज करेगा और टू एट बन जाएगा और दो लूज करेगा तो एम जी टू प्लस आ जाएगा चार्ज ऐसे लर्न करना है आपको फिर है थर्टीन थर्टीन होता है एल्यूमिनियम का तो क्या हो जाएगा टू कॉमा एट कामा थ्री तो ये क्या होगा तीन लूज करेगा और टू कामा एट हो जाएगा तो जितने लूज कर रहा है उतना पॉजिटिव चार्ज आ गया सिमिलरली मैं आपको बताता हूँ एक जैसे कि हमारे पास है पोटेशियम अब पोटेशियम होता है नाइन्टीन पोटेशियम होता है नाइनटीन वो है टू कॉमा एट कामा एट कामा वन ये एक लूज करेगा और स्टेबल हो जाएगा तो चार्ज कितना आएगा प्लस वन और सिमिलरली पोटेशियम का बता दिया एक और देखो कैल्शियम तो कैल्शियम का कैसे करोगे ट्वेंटी टू कॉमा एट कॉमा एट कामा टू ये क्या करेगा दो लूज करेगा तो चार्ज कितना आ जाएगा इस पर टू प्लस तो इस तरह हमने कैल्शियम का भी देख लिया तो क्लियर हो गया बहुत ही आसान तरीके से हम आयंस को लर्न कर सकते हैं ये थे पॉजिटिव चार्ज वाले अब मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव चार्ज वाले कैसे लर्न करने हैं नेगेटिव चार्ज करने में भी सेम तरीका है वो गेन करेंगे स्टेबल होने के लिए जैसे कि मैं आपको केस लेता हूँ एक ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है एट तो क्या बनेगा टू कॉमा सिक्स कॉन्फिग्रेशन बनेगी के एल एम एन आना चाहिए आपको कॉन्फिग्रेशन टू कॉमा सिक्स अब टू कॉमा सिक्स ऐसा बनने के लिए क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहां आ जाएगा ओ टू माइनस ओ टू माइनस सिमिलरली अब मैं आता हूं नाइट्रोजन पे तो नाइट्रोजन कितना होता है नाइट्रोजन है सेवन तो टू कॉमा फाइव यह तीन गेन करेगा तो आ जाएगा एन थ्री माइनस और O2- बना ऑक्साइड N3- बना नाइट्राइड इसी तरह हम बहुत अच्छे तरीके से आयंस को लर्न कर सकते हैं ठीक है अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे तो मैंने आपको इस वीडियो में यह भी सिखा दिया कि आयंस को लर्न कैसे करना है अगला हमारा टॉपिक है पॉली एटोमिक आयन नेक्स्ट टॉपिक है पॉली एटोमिक आयन अब देखो पॉली का मतलब बहुत ज्यादा पॉली मतलब एटॉमिक्स एटॉमिक मतलब एटोमिसिटी सो तो पॉली एटोमिक आयन पॉली एटोमिक यहाँ पे एक वर्ड एरर आ गया पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं आएगा मैं कट कर देता हूं इसे ये टॉपिक चल रहा है हमारा पॉलीएटॉमिक आयन ये देखो यहाँ लिखा हुआ so, है तो डेफिनेशन पढ़ते हैं अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन यानी एक पूरे ग्रुप के ऊपर अगर सिंगल चार्ज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयन जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा क्लोरीन के ऊपर एक चार्ज है मैग्नीशियम के ऊपर एक चार्ज है बट जब कई सारे ग्रुप ऑफ एटम्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पे यहां पे अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज यानी पूरे ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर अगर सिंगल चार्ज होगा तो उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे आयन पोलियटोमिक्जाम्पल देखते हैं क्या है यहां पर जैसे सी ओ थ्री कई सारे एटम्स हैं और सिंगल चार्ज आ रहा है टू माइनस तो ये एक पॉलिटॉमिक आयन है अब जैसे है अमोनियम एन एच फोर सो एन एच फोर इस पूरे के ऊपर एक सिंगल चार्ज है प्लस तो ये भी एक पॉलीअटोमिक आयन है सो पोलियाटोमिक आय का एक पूरा टेबल है जो आपको लर्न करना है ये वाले आपको लर्न करने हैं देखो कैटायन कैसे लर्न करने हैं मैंने सिखा दिया एनआयन कैसे लर्न करने हैं सिखा दिया बट ये जो केस है यहां पर ये वाले सारे हैं पॉलीएटॉमिक आयन ये वाले ये लर्न करने पड़ेंगे आपको जैसे कि अमोनियम होता है NH4+ उसी तरह हाइड्रोक्साइड होता है OH- नाइट्रेट होता है NO3- हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3- सल्फाइट होता है यहां पर एस कार्बोनेट होता है सी सल्फेट होता है एसओ फोर टू माइनस फॉस्फेट होता है पी फोर थ्री माइनस तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे ठीक है ये होते हैं पॉलीएटॉमिक आयन अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट टॉपिक है वेलेंसी नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेलेंसी वेलेंसी क्या होता है वेलेंसी इज द कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इससे हमें यह पता लगता है कि एक एलिमेंट का एटम सिग्निफिकेंस क्या है इसकी इट इज यूज टू फाइंड हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन विद द एटम्स ऑफ एनअर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड यानी वैलेंसी से पता लगेगा एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे कंबाइन करेगा और नेक्स्ट डेफिनेशन है केमिकल फॉर्मूला द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज अ सिंपॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन यानी अगर कोई भी केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है तो इसमें हमें यह पता लग रहा है सिंबल्स के थ्रू कौन कौन से एलिमेंट से ये कम बना हुआ है जैसे इसके अंदर कैल्शियम है कार्बन है ऑक्सीजन है और कितने कितने एटम्स हैं तो उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में एक एक कंपाउंड की कॉम्पोजिशन के बारे में हमें कैसे पता लगेगा विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला तो नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला अभी हमने क्या सीखा आयंस हमने सीख लिए अब हम आयंस के थ्रू सीखेंगे कि आयंस के थ्रू केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं अब हम सीखेंगे आयंस के थ्रू फार्मूला कैसे बनाएंगे तो आते हैं यहां पर राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ये आपको टेबल याद होना चाहिए केमिकल फार्मूला बनाने के लिए ये टेबल आपको याद होना चाहिए अब आते हैं नेक्स्ट यहां पर हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला यह टेबल आपको लर्न होना चाहिए तो यह है राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बेसिक मैंने आपको बता दिया है आयंस लर्न कर लो आयंस कौन कौन से होने चाहिए और प्लस उसके अलावा यह जो टेबल है यह टेबल आपको लर्न करना है आयंस के बारे में पता होना चाहिए पॉजिटिव वाला केटाइन नेगेटिव वाला एनआईन और उसके अलावा आपको याद रखना है पूरा टेबल अब हम सीखते हैं यहां पर राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देखो बहुत ही आसान तरीका है बस आयंस लर्न होना चाहिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनाएंगे इसको जैसे पहले हम लिखेंगे एक तरफ हम लिखेंगे एलिमेंट कौन सा है हाइड्रोजन और चार्ज यानी वैलेंसी एक लिखने का तरीका होता है पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सिंबल एलिमेंट का सिंबल कौन सा है और फिर उसकी वैलेंसी कितनी है वैलेंसी मतलब चार्ज कितना है सो so, सिंबल कौन सा है हाइड्रोजन का यहाँ पर एच आ जाएगा और एच क्या होता है प्लस होता है और सी माइनस होता है तो प्लस मतलब वैलेंसी प्लस वन फिर क्लोराइड है तो सी एल आ जाएगा और वैलेंसी माइनस वन तो क्या होगा दोनों की वैलेंसी को एक्सचेंज कर दो ये इसके नीचे ये इसके नीचे और फॉर्मूला बन गया एच सी एल ये लिखने का तरीका होता है सिंबल वैलेंसी और फार्मूला बन गया सिंबल लिखा पहले सिंबल लिखा हाइड्रोजन वैलेंसी कितनी है प्लस वन फिर लिखा क्लोरीन वैलेंसी माइनस वन एक्सचेंज कर दिया और वैलेंसी एक्सचेंज कर दिया फार्मूला बन गया एच सी एल इस तरह हम यहाँ पर सारे बना के देख सकते हैं जैसे मैं और दिखाऊँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड सो एल्यूमिनियम का थ्री प्लस ओ का टू माइनस ये इसके नीचे और ये इसके नीचे तो क्या बना ए एल टू ओ थ्री फार्मूला क्या बना ए एल टू ओ थ्री अगर बनाऊं मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सो मैग्नीशियम होता है टू प्लस और हाइड्रोक्साइड ओ एच होता है माइनस वन क्योंकि ये पॉलीअटमिक है तो यहाँ ब्रैकेट आएगा ये इसके नीचे और ये इसके नीचे फार्मूला बना एम जी ओ एच होल्डवाइस और देख लेते हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड सो हाइड्रोजन की वैलेंसी वन सल्फाइड की वैलेंसी टू ये इसके नीचे और ये इसके नीचे तो फॉर्मूला बना एच टू एस अब जैसे है कैल्शियम ऑक्साइड सी ए के नीचे टू वैलेंसी ऑक्सीजन की भी टू वैलेंसी जब सेम सेम वैलेंसी होती है क्रॉस कर दोगे तो क्या लिख दोगे यही फार्मूला आ जाएगा ऊपर वाला तो क्या बन जाएगा सी ए ओ जब सेम वैलेंसी होती है तो यही डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो आप सी ए ओ एक और देख लो जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड सो एल्यूमिनियम का थ्री प्लस क्लोराइड का माइनस वन तो यहाँ पे प्लस वन माइनस वन नहीं लिखना होता ध्यान रखना वैलेंसी में प्लस वन माइनस वन नहीं सिर्फ वैलेंसी लिखनी है तो वन इसके नीचे थ्री इसके नीचे और फॉर्मूला बन गया ए एल सी एल थ्री सो इस तरह हमने देख लिया कि केमिकल फार्मूला हम कैसे बनाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अब दो टॉपिक रह गए हैं क्योंकि मोल कंसेप्ट तो हमारे कोर्स में ही नहीं है मोल कंसेप्ट हमारे कोर्स में ही नहीं है अब दो टॉपिक रह गए हैं एक रह गया है मॉलिकुलर मास और दूसरा फार्मूला यूनिट मास दोनों का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है दोनों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है यहां पर और वो हम यहां पर करेंगे तो फर्स्ट है यहां पर मोलिकुलर मास फर्स्ट है यहां पर मोलिकुलर मास तो हाउ टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास मॉलिकुलर मास क्या होता है इसके लिए आपको पता होना चाहिए यहां पर मोलिकुलर मास के लिए आपको डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले क्या होती है ये है इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासिस इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासिस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल सम ऑफ द एटॉमिक मासिस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास इसका ये मतलब है जैसे मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है एच टू ओ तो एच टू ओ के अंदर कितने एटम्स हैं एच टू ओ के अंदर दो एटम हैं, एक एटम है यहां पर हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन तो इनके कितने एटॉमिक मासेस

जैसे मान लो मैं पहले सिंपल सा करके दिखाता हूं एच टू ओ का लिखना है तो कितने एटम है हाइड्रोजन के दो एटम है तो कैसे निकालेंगे इन टू, इन टू इन टू टू इन टू एटोमिक मास हाइड्रोजन प्लस भाई देखो ना दो एटम है हाइड्रोजन के तो क्या लिखा इन टू इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है तो क्या आ जाएगा एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो कैसे निकाला टू इन टू अब हाइड्रोजन का कितना है वन है तो टू इन टू वन प्लस ऑक्सीजन का कितना है सिक्सटीन है सो टोटल कितना आ गया एटीन यूनिट इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह हम निकालेंगे यहां पर मॉलिकुलर मास तो बहुत ही आसान तरीके से हम यहां पर निकाल सकते हैं मॉलिकुलर मास जैसे मान लो अब मुझे निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का सी का तो सी के अंदर एक कार्बन का आइटम है और दो ऑक्सीजन के हैं तो कैसे लिखेंगे एटोमिक मास एटोमिक मास ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं दो हैं सो टू इन टू टू इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो कितना आ गया कार्बन का कितना होता है ट्वेल्व और टू इंटू ऑक्सीजन का कितना है सिक्सटीन तो ये आ गया ट्वेल्व प्लस थर्टी टू आंसर इज फोर्टी फोर यूनिट इस तरह हमने निकाल लिया मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा मॉलिकुलर मास और आंसर किस में आएगा यूनिट में आएगा यू में आएगा एट इज एटॉमिक मास यूनिट अगला टॉपिक है फार्मूला यूनिट मास ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो अगला टॉपिक है फार्मूला यूनिट मास और फार्मूला यूनिट मास भी सेम होता है बस ये उसी के लिए यूज होगा सिग्निफिकेंस पढ़ना है आपको सेम तरीके से कैलकुलेट होता है इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज मॉलिकुलर मास इज कैलकुलेटेड बस डेफिनेशन अलग है और सिग्निफिकेंस अलग है डेफिनेशन क्या है इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासज ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड तो किन के लिए यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास को अगर सब कुछ सेम है तो यूज क्यों होता है तो अब सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है इट इज यूज फॉर हुज पार्टिकल्स आर आयंस यानी जो मॉलिक्यूल आयंस के थ्रू बना हुआ है जो कंपाउंड आयंस के थ्रू बना हुआ है उसके जब टोटल मास को निकालेंगे तो उसे क्या बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास जैसे कि अगर मुझे निकालना है एन ए सी एल का निकालना है तो किससे बना होता है ये एक बना होता है ये एनए प्लस से और सीएल माइनस से यानी ये आयंस के थ्रू बना हुआ है अब क्योंकि ये आयंस के थ्रू बना हुआ है तो वही लिखा हुआ है यहां पर सिग्निफिकेंस इट इज यूज फॉर हुज दोस्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर आयंस जो आयन से बना हुआ है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं फार्मूला यूनिट मास और सेम तरीके से हम बिल्कुल सेम तरीके से हम यहां पर एन ए सी एल का एट मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं बट क्योंकि ये आयंस के थ्रू बना हुआ है तो निकालेंगे सेम तरीके से बट यहां पर इसको बोलेंगे क्या इसको बोलेंगे फार्मूला यूनिट मास तो देखा आपने बहुत ही आसान तरीके से हमने सारे टॉपिक इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड के साथ और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना और किस चैप्टर की आपको वन शॉट वीडियो की रिक्वायरमेंट है थैंक यू सो मच